हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनमे किचन। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि से रिलेटेड व्रत रेसिपी लेके आए हैं, जो कि है शकरकंद के साबूदाने वड़े। ये इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये साबूदाना है, मैंने एक कप लिया है। इसे 3 से 4 घंटों तक भिगो के रखना है। तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून सेंधा नमक डाला है, आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 छोटे शकरकंद है, 3 सीटी के लिए मैंने बॉईल कर लिया था। 3 हरी मिर्च है, थोड़े कोरिएंडर और कड़ी पत्ते कट करके डाल दिए। ये 2 टीस्पून सेंगदाना है, जिसे मैंने रोस्ट करके दरदरा सा कूट लिया है, वो भी ऐड कर दिया। इन सबको अभी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ मैं हाथों से ही कर लूँगी, आप जैसे कंफर्टेबल हो कीजिए। देखिए, इस तरह से रेडी हो गया है। अब इस तरह से हम इसके वड़े बना लेंगे, एकदम छोटे साइज के, क्योंकि हम ये डीप फ्राई नहीं अपे पैन में करने वाले हैं। देखिए, इस तरह से रेडी कर लेने हैं। अब एक अपे पैन मैंने यहाँ गरम करने रखा है, उसमें मैंने तेल डाल दिया बिल्कुल थोड़ा सा। अब इनमें हमने जो वड़े बनाए उसे रख देंगे हम। आप चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आए तो। ये कम तेल में हो जाएगा एंड टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे कि डीप फ्राइड में आता है। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल मैंने ड्रिजल कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसे धीमी आंच पे आपने, जब तक ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, पकने देना है। सारे हो चुके हैं, गर्मा गर्म इसे सर्व करें ठंडी ठंडी दही के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।